हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम 500 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं। यह क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। थॉर्नडाइक के तीन मुख्य नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकंड है प्रभाव का नियम, थर्ड है अभ्यास का नियम, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया है थॉर्नडाइक के तीन प्रमुख नियम बताइए। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि थॉर्नडाइक जी ने जो नियम दिए थे, तत्परता के नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम दिया था। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है। फर्स्ट ऑप्शन है थर्स्टन, सेकंड है स्किनर, थर्ड है पावलोव, फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का। फर्स्ट ऑप्शन है प्रशासनिक वातावरण, सेकंड है आर्थिक वातावरण, थर्ड है मनोवैज्ञानिक वातावरण, फोर्थ है सामाजिक वातावरण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने को प्रभावित कौन सा वातावरण करता है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सीखने को प्रभावित करता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो आंसर थर्ड हो जाएगा, टिक कर देंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रस्क, सेकंड है स्किनर, थर्ड है क्रोनबैक, फोर्थ है वुडवर्थ। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो फिर आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे स्किनर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाना या खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है अंगीकार, सेकेंड है समायोजित, थर्ड है अनुकूलित, फोर्थ है समुचितता। यह क्वेश्चन सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि सीता ने दाल और चावल खाना जो सीख लिया है मिलाकर, उसने अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, सेकंड है विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, थर्ड है सीखने के सत्यातक में विद्यार्थी का वर्तमान संज्ञानात्मक में स्तर, फोर्थ है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। यह क्वेश्चन सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसका कोड आंसर होगा सीखने के सत्यात्म में विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, सेकंड है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, थर्ड निरंतर गृह कार्य देते रहना, फोर्थ है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। यह क्वेश्चन भी सीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दीजिए, इसका अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इससे क्या होता है कि शिक्षार्थी स्वयं करके सीखते हैं और
क्लास में लोकतांत्रिक वातावरण उत्पन्न होता है तो अच्छी तरह से सीख पाती हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड है सोचना, थर्ड है क्रिया करना, फोर्थ है कल्पना करना। क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सी टेट में भी आते हैं, तो आंसर दे दीजिएगा इसको। आंसर हो जाएगा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को या स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पहचान, सेकंड है धारणा, थर्ड है पुनर्स्मरण, फोर्थ है अनुभूति। यह क्वेश्चन भी यूपीटेट 2013 में हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी सीटेट में आते हैं नहीं वाले, तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन उससे संबंधित होंगे, आंसर होंगे, और एक इससे क्या है संबंधित नहीं होगा, तो वही हमारा आंसर होता है। तो क्वेश्चन को पहले हमें आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक आंसर हो जाएगा, वो जाएगा फोर्थ अनुभूति। अनुभूति इसमें स्मृति का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के वक्र। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सेकंड है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, थर्ड है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, फोर्थ है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। यह क्वेश्चन भी यूपीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में भी आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपरों में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड सब आपके पास में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीखने के वक्र प्रगति के सूचक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास कार्य से, सेकंड है परिणाम की अपेक्षा से, थर्ड है प्रशंसा से, फोर्थ है तत्परता से। यह क्वेश्चन भी यूपीटेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यह भी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत संबंध या नियम किससे संबंधित है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सेकंड है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, थर्ड है बाह्य कारक, फोर्थ है असफलताओं से बचने के लिए अभिप्रेरणा। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में आया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, सेकंड है अभिभावकों समावेशन, थर्ड है विद्यार्थियों वैश्वीकरण, फोर्थ है अन्य शिक्षकों समावेशन। क्वेश्चन सीटेट 2012 में हुआ है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा हो जाएगा कि विद्यार्थियों पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाओं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के लिए
सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता, सेकेंड है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, थर्ड है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, फोर्थ है सीखने की तत्परता। क्वेश्चन सीटेट 2012 में आया हुआ है, आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों माफ कीजिए एक शिक्षिका जो अपने आप से उत्तर नहीं देती है, जो कि विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहती है और समूह चर्चा करने को कहती है और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो वह सक्रिय भागीदारिता के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है आश्रित चर, सेकंड है मध्यस्थ चर, थर्ड है स्वतंत्र चर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस बीटेट 2011 में आए हुए हैं, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड मध्यस्थ चर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक को, सेकंड है शिक्षक को, थर्ड है विद्यार्थी को, फोर्थ है पाठ्यक्रम को। बीटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा शिक्षक को, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा को दंडित करना चाहिए, सेकंड है चुटकुले सुनाने चाहिए, थर्ड है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, फोर्थ है आराम करना चाहिए। क्वेश्चन बीटेट 2011 में वो क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। इसका कोई आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के चार स्तंभों की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है राधा कृष्ण आयोग, सेकंड है कोठारी आयोग, थर्ड है हंटर आयोग, फोर्थ है डॉलर्स आयोग। तो जेटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सेकंड कोठारी आयोग में यह चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावकारी शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है अपनी कक्षा का अच्छी तरह नियंत्रित करता है, सेकंड है अपना विषय बहुत अच्छी तरह जानता है, थर्ड है अपने छात्रों के बारे में सोचता है, फोर्थ है अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछा कि एक प्रभावी शिक्षक किस प्रकार का होता है, जेटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर दीजिए। तो इसका कोई आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ अपने छात्रों को वास्तविक विद्या ग्रहण करने में उनकी मदद करता है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन लागू करेगा, सेकंड है छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा, थर्ड छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, फोर्थ है जितना जल्दी संभव हो अध्याय पढ़ाना प्रारंभ कर देगा। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्ययन की पद्धतियां हैं, फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण और अवलोकन द्वारा, सेकंड है अवलोकन द्वारा, थर्ड है सप्रतिबंध और अवलोकन द्वारा, फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन जेटेट 2011 में हुआ क्वेश्चन है, ये आंसर दीजिए। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा, अध्ययन की पद्धतियां हैं परीक्षण और अवलोकन द्वारा, सेकंड है अवलोकन द्वारा, थर्ड है प्रतिपादित और अवलोकन द्वारा, तो आंसर हमारा इसका कोई हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है विकासवादी, सेकंड है व्यवहारवादी, थर्ड है रचनावादी, फोर्थ है संज्ञानवादी। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए। 5 सेकंड समय आपके पास में, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं। हाथ में विद्यार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है समूह चर्चा में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, सेकंड है अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने, थर्ड है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, फोर्थ है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। क्वेश्चन सीटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए सही से पहले फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ही है, तो क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर नेगेटिव पूछा गया, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आंसर देना है। तो प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए यह पूछा जा रहा है, प्रोत्साहित करना चाहिए यह नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपको आंसर इसके अकॉर्डिंग देना है। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने चाहिए या करने, तो आंसर वाला थर्ड हो जाएगा। जब भी हम याद करना इस प्रकार की बात करते हैं तो यह रटन प्रणाली की तरफ जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर सही नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही होगा कि हमें याद नहीं करना चाहिए, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य मौखिक प्रश्न, सेकंड है सत्र परीक्षा, थर्ड है प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्तिकार, फोर्थ है दत्तिकार। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यह, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड, सत्र परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर दीजिए यहाँ पे 5 सेकंड समय आपके पास में। यह क्वेश्चन भी सीटेट 2011 में आया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए। आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकंड, सत्र परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है संगणन अभ्यास कार्य, सेकंड है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, थर्ड है विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, फोर्थ है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में, अच्छा का क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, समुचित उपचारात्मक कार्य, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, सेकंड है प्रश्नों को हल करना, थर्ड है प्रश्न पूछना, फोर्थ है ये सभी। यह क्वेश्चन है यूपीटेट 2011 में आया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा हमारा श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यह सभी शिक्षण कौशल से संबंधित है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, फोर्थ है कक्षा में पूर्व नीरवता। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर में करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित
शिक्षण की ओर संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। सेकंड है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का कार्य या काम देंगे। फोर्थ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक अतिसक्रिय बालक को उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को काम देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सेकंड है, कक्षा में समानुवर्ती होना। थर्ड है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। फोर्थ है, एक सुवक्ता होना। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर दीजिए, 5 सेकंड समय आपके पास में। जब आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। तो दोस्तों, सेशन हमारा सही यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।